हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश, वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने लिमिट स्टेट का जो पार्ट है उसमें हमने सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड ये सब पढ़ लिया है। उसके बाद जो है हम अब फ्लैंज सेक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का जो ये वीडियो रहेगा उसमें हम फ्लैंज सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लैंज सेक्शन क्या होता है, उसका एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं, एक एक प्रोसेस जो भी है स्टेप्स हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस में भी हमने उसको कवर किया है। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमने वर्किंग लिमिट स्टेप में आया। तो वर्किंग स्ट्रेस में जो है इंट्रोडक्शन फ्लैंज्ड बीम का वहां पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि फ्लैंज बीम वही जो वहां पे पढ़ाया गया था वही यहाँ पे है, उसका इंट्रोडक्शन, फ्लैंज बीम क्या होता है, उसका इफेक्टिव विड्थ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये सब जो है वहां पे जो पढ़ाया गया था सेम यहाँ पे भी आएगा। तो उसको हम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको दिखना है तो इसके जो ऊपर आई सेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो वहां पे आप क्लिक करके आप जो है वहां से जो वीडियो है वर्किंग स्ट्रेस का वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लैंज सेक्शन एनालिसिस से। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालते हैं वो हमने फॉर्मूला उसका सिर्फ है वो हमने वहां पे बता दिया था, तो यहाँ पे फालतू का नहीं बताएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। फिर यहाँ पे डायरेक्ट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस में आपको पता है कि जो टी सेक्शन क्या होता है, तो टी सेक्शन जो है हमारा जैसे आइसोलेटेड टी बीम का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे जिसका विड्थ जो है इफेक्टिव विड्थ बीएफ है और डेप्थ ऑफ फ्लैंज डीएफ है और जो है इफेक्टिव डेप्थ जो है वो स्मॉल डी है। ठीक है, तो यहां से इसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके एक एक टर्म को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एनालिसिस स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि जो फ्लैंज है ऊपर का जो फ्लैंज वाला पार्ट है यानी कि ये वाला, ठीक है, उसमें पूरा का पूरा कंप्रेशन हो ले रहा है। ठीक है, और जो नीचे का पार्ट है फ्लैंज से नीचे का यानी वेब पार्ट जो है वो टेंशन ले रहा है, टेंशन यानी कि जो स्टील है वो टेंशन ले रहा है, और ऊपर का फ्लैंज का पार्ट पूरा का पूरा जो है वो हमारा कंप्रेशन ले रहा है। ठीक है, तो वहां से क्या करेंगे, टेंशन और कंप्रेशन दोनों कैलकुलेट करेंगे। टेंशन और कंप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सी यहां से जो है हमारा आ जाएगा 0.36 एफसीके इंटू बी एफ इंटू डी एफ। ठीक है, यही आएगा। तो यहां से हम लोग कंप्रेशन निकाल लिए और टेंशन नीचे से निकाल लिए, टेंशन क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई एच डी। ठीक है, तो ये दोनों हम निकाल लिए। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सी और टी को कंपेयर करेंगे, इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसका भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और चेक कर लेंगे सी और टी में कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों बराबर है। तीन के सी होगा यहां से, तो एक होगा सी ग्रेटर देन टी, सेकेंड होगा सी इक्वल टू टी, और थर्ड होगा सी लेस देन टी। ठीक है, ये तीन केस हो सकता है, तीनों केस में क्या क्या होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर कंप्रेशन टेंशन से ज्यादा है उस केस में न्यूट्रल एक्सिस जो है जो हमने यहाँ पे माना है वो फ्लैंज में ही लाई करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस इस केस में लाई करेगा कहाँ पे, फ्लैंज पे, विद इन द फ्लैंज। ठीक है, अगर सी इक्वल टू टी है तो बॉटम पे लाई करेगा, न्यूट्रल एक्सिस लाइस एट द बॉटम ऑफ फ्लैंज। ठीक है, और अगर सी लेस देन टी है तो उसके यानी कि टेंशन ज्यादा है तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे, फ्लैंज से नीचे यानी कि वेव में लाई करेगा, न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन वेव। ठीक है, ये केस होगा। तो इस केस में एक बात है, अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई करे, अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई करे तो उसको वो जो है सेक्शन हमारा बहुत इजी हो जाता है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह ही हम लोग डिजाइन कर लेंगे। अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाया करे तो एक बी एफ विड्थ का और डी डेप्थ का क्या करेंगे, एक हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन एज्यूम करके और उसको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह डिजाइन कर लेंगे, और हमारा जो है एनालिसिस डिजाइन जो है जो करना होगा कर सकते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट केस इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा, जब हमारा जो है एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू डी एफ। ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन लेकर के डिजाइन कर लेंगे। तो फर्स्ट केस ये हो गया हमारा एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू डी एफ, और सेकेंड केस आता है हमारा एक्स का वैल्यू जो है ग्रेटर देन डी एफ।
ठीक, ग्रेटर देन जब डीएफ रहेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये पूरा तो हमारा कंप्रेशन लेगा ही, प्लस वेव का भी कुछ पार्ट होगा ऐसा जो कंप्रेशन लेगा, ठीक है, पूरा फ्लेंज कंप्रेशन लेगा प्लस वेव का भी कुछ पार्ट कंप्रेशन लेगा। तो क्या होगा उस केस में, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन जो है उसका प्लॉट करें, तो ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन वेरिएशन, इसको हम देखें तो आउटर मोस्ट फाइबर पर आपको पता है 0.0035 होता है कंप्रेशन में, और यहाँ पे एज्यूम कर लिया हमने कि ये जो मतलब फ्लेंज का बॉटम है वहां पे अगर 0.0035 यहाँ पे है, न्यूट्रल एक्सिस एक्स पे जीरो हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ये जो मतलब बॉटम है फ्लेंज का वहां पे कितना होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा 0.0035 वेरी कर रहा है किसमें, एक्स में, तो 0.0035 बाय एक्स, और तो एक्स माइनस डीएफ पे कितना वेरी करेगा, तो इतना होगा। इसको हमने क्या किया यहाँ पे ये स्ट्रेस हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसका स्ट्रेस वेरिएशन देखते हैं। तो स्ट्रेस वेरिएशन आपको पता है कि पैराबोलिक होता है, कंक्रीट का पैराबोलिक होता है और आगे जाकर के कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। तो कांस्टेंट कहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट जो होता है 0.002 यानी कि 0.2% स्ट्रेन पर जाकर के कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि 0.45 Fc के स्ट्रेस आ जाता है उसमें, ठीक है, और वो एक्सट्रीम फाइबर तक वही रहता है। तो क्या करेंगे इस केस में, हम यहाँ पे दो, या तो ये स्ट्रेन जो अब लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ से होगा, यहीं से कर दें, जो हमारा डीएफ है यानी कि फ्लेंज के नीचे से ही कांस्टेंट हो जाएगा कि फ्लेंज के ऊपर से कांस्टेंट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वो किस पर डिपेंड करेगा, ये जो है फ्लेंज मेन हमारा फ्लेंज का ही, फ्लेंज का जो बॉटम है वो हमारा मेन पॉइंट है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, फ्लेंज का जो बॉटम पॉइंट है वहां पे स्ट्रेन जो है निकालेंगे, देखेंगे ये 0.2% से कम है या ज्यादा है, ठीक है, तो या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि 0.0035 जो है ये स्ट्रेन यहाँ पे 0.2% से कम है, ठीक है, तो 0.2% से कम है यानी कि लेस है। तो इस केस में क्या होगा, अगर लेस है तो पॉइंट ये स्ट्रेन फ्लेंज पे के बॉटम पे जो स्ट्रेन है वो 0.2% से कम है, मीन्स 0.002 जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा है, ज्यादा मीन्स ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर मान लिया है, ठीक है, रेड वाला पार्ट आपको जो शो कर रहा है वही है 0.002% यानी कि 0.2%। अब क्या क्या हमने यहां से जो है ये किया, तो आप देखेंगे यहां से x का वैल्यू लेस देन 7/3 df आ गया। x जब लेस देन 7/3 df है तो उस केस में हमारा न्यूट्रल सॉरी 0.2% स्ट्रेन कहां है, फ्लेंज के ऊपर, ठीक है, फ्लेंज के बॉटम के ऊपर यानी कि फ्लेंज में, ठीक है, फ्लेंज में हमारा 0.2% स्ट्रेन है। तो ये क्या होगा, जो वेरिएशन है हमारा पैराबोलिक होगा और प्लस फ्लेंज के अंदर तक जाएगा वो पैराबोलिक, और अंदर तक जाकर के और 0.2% स्ट्रेन जहां पे आएगा उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लेंज के अंदर हमारा दो टाइप का वेरिएशन आता है, फ्लेंज के अंदर एक तो आता है रेक्टेंगुलर यानी कि कांस्टेंट वाला, और एक ट्रंकेटेड पैराबोला, यहाँ पे टर्म यूज किया जाता है, ट्रंकेटेड मीन्स कटा हुआ पैराबोला, ठीक है। तो कटा हुआ पैराबोला कैसे हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा मान लीजिए ये, ठीक है, तो इतना पार इतना दूर तो हमारा क्या है पैराबोला, ठीक है, ये यही हमारा ट्रंकेटेड पैराबोला और ये है हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो ये दोनों के इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको क्या करेंगे, दो टाइप का आ जाएगा तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके इक्विवेलेंट दोनों यानी ट्रंकेटेड पैराबोला और रेक्टेंगुलर सेक्शन दोनों के इक्विवेलेंट एक हम रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेंगे जिसका डेप्थ होगा कितना, वाई एफ, यहाँ पे टोटल कितना डेप्थ था, डी एफ, ठीक है, तो डी एफ से कुछ वेरी होगा यहाँ पे, वाई एफ डेप्थ हम लोग ले लेंगे वाई एफ, और इसका जो वेरिएशन होगा कॉन्स्टेंट कितना 0.45 Fc के टाइप का रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो इसी का इक्विवेलेंट है यानी कि जो फ्लेंज है फ्लेंज वाला पोर्शन उसी का इक्विवेलेंट हम यहाँ पे इसको लिए हैं, ठीक है। अब बाकी इसके इससे हम क्या करेंगे, सी वन निकालेंगे, सी वन में वाई एफ का रोल रहेगा, ठीक है, और सी टू के लिए हमारा ये पैराबोलिक सेक्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सी टू में सिर्फ पैराबोलिक सेक्शन है, वहां पे 0.036 करके 0.36 Fc के हो जाएगा, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर कंप्रेशन निकालें तो कंप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए इसके अंदर दो केस आएगा, ठीक है, x ग्रेटर देन डीएफ में, x जब ग्रेटर देन डीएफ रहेगा तो इस केस में
दो केस आ जाएगा, एक्स लेस देन 7/3 df और एक्स ग्रेटर देन 7/3 df। ये एक्स ग्रेटर देन 7/3 df कब होगा, जब ये लेस कर देंगे हम यहाँ पे, जब लेस सॉरी ग्रेटर देन संख्या ले लेंगे, यानी कि जब वो हम नेक्स्ट केस में डिस्कस कर लेंगे उसको डिटेल में, ठीक है। तो यहां से हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू ग्रेटर देन df बट लेस देन 7/3 df, तो उस केस में जो है हमारा कंप्रेसिव फोर्स क्या आ जाएगा, 0.45 fck इंटू bf ठीक इंटू yf, ठीक है। ये yf का जो वैल्यू है ये आपको ध्यान रखना है क्या होता है, तो ये yf का वैल्यू 65% उसमें df का रोल लेते हैं प्लस 15% x का रोल लेते हैं, तो आप ध्यान रख लीजिएगा 0.65 जो है यानी 65% df का और 15% यानी 0.15 कितना किसका, x का, यही हो जाएगा क्या yf, ठीक है। yf का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं और यहां में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा c1 आ जाएगा। अब c2 की बात करते हैं, तो c2 हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल है, c2 में सिर्फ पैराबोलिक है तो 0.36 fck इंटू यहां पे कौन सा विड्थ होगा, यहां पे जो है वेव का विड्थ होगा सिर्फ, ठीक है, यहां पे वेव का विड्थ लेंगे क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा वेव के लिए है, फ्लैंज के इक्विवेलेंट हमने यहां पे कंसिडर इसको कर लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा bw इंटू डेप्थ, कितना डेप्थ x माइनस df, ठीक है, तो x माइनस ये हमारा कितना डेप्थ हो जाएगा इसके लिए कंप्रेसिव के लिए, कंप्रेसिव के लिए जो डेप्थ है यहां पे आपको दिखना होगा ध्यान से, यहां पे जो डेप्थ होगा उसको हम लोग एक्स यू सीख लेंगे, ठीक है एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा C2, ठीक C2 आ गया, और उसके बाद टी हमारा क्या आ जाएगा, टी सेम 0.87 fist, ठीक है। तो और Z1 Z2 भी निकल सकता है, Z1 क्या हो जाएगा, Z1 जो होगा अब इसको रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने माना है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन जब माना है हमने तो क्या हो जाएगा yf by 2 ऊपर का पार्ट इसका cg जो है, तो हमारा लिवर आर्म क्या हो जाएगा d माइनस yf by 2, ठीक है। और z2 क्या हो जाएगा, z2 हम लोग निकाल सकते हैं, z2 क्या हो जाएगा बताइए, z2 जो होगा इसका cg यानी कि ये जो पैराबोला है उसका cg का डिस्टेंस ऊपर से माइनस कर देंगे d में से, वही हो जाएगा हमारा ये, तो इसका जो cg होगा वो आप निकाल सकते हैं, ये जो है आप कितना होता 0.42x ऊपर से होता है ना, तो 0.42x ले लेंगे, यहाँ पे जो डेप्थ है x है तो 0.42x ले लेंगे वहां से, तो ये क्या हो जाएगा Z1 का वैल्यू लिखिए, Z1 क्या हो जाएगा हमारा d माइनस yf by 2, ठीक है। और Z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा d माइनस 0.42x, ठीक है। तो MOR हमारा निकल जाएगा MOR C1 Z1 प्लस C2 Z2, यहां से हमारा MOR आ गया। अब MOR जब निकल गया तो हम लोग आसानी से एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हम जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी यहां पे हमें निकालना जरूरी है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, पहले तो हमें रेंज पता चला था ना, रेंज जो है मतलब एक्स डीएफ से ज्यादा है उसका वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस का, और 7/3 df से कम है, लेकिन एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअल में वही करेंगे C1 प्लस C2 टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा, तो C इक्वल टू टी कर देंगे, यानी कि C1 प्लस C2 इक्वल टू टी करके एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको MOR निकाल सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो ऑब्जेक्टिव भी लीजिए, MOR क्या हो जाएगा 0.45 fck bf इंटू yf, ठीक है, इंटू इसका लिवर आर्म क्या हो जाएगा डी माइनस yf by 2 प्लस c2 0.36 fck vx इंटू डी माइनस 0.42x, ठीक है। ये हो गया किधर से, ये कंप्रेसिव जोन कंप्रेशन की तरफ से, टेंशन की तरफ से अगर हमें निकालना है तो 0.87 fist को लिवर आर्म, तब उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें c1 और c2 दोनों के इक्विवेलेंट, ये दोनों फोर्स कहाँ लग रहा है उसका इक्विवेलेंट cg क्या होगा ये हमें निकालना होगा, यानी कि c1 z1 प्लस c2 z2 by c1 प्लस c2 करके हम लोग
क्या करेंगे, एक्स बार जो मेन दोनों के इक्विवेलेंट जो है सीजी क्या होगा उसको निकाल लेंगे, उसके बाद डी में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका लीवर है, ठीक है। तो अगर टेंशन की तरफ से निकालना होगा तो इसके इक्विवेलेंट सीजी निकालना होगा, सी1 और सी2 के दोनों फोर्स इक्विवेलेंट जो फोर्स रहेगा यानी कि टोटल कंप्रेशन जहां पे लगेगा उसका सीजी क्या है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसमें केस टू का, केस टू के अंदर जो बातें हैं, यहाँ पे केस टू क्या था, केस टू था हमारा एक्स ग्रेटर देन डीएफ एंड लेस देन 7/3 dF, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका, जब हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो वेव में लाइक करे यानी एक्स ग्रेटर देन डीएफ हो, बट जो स्ट्रेन है 0.2% वो वेव में फ्लेंज में नहीं हो वेव में हो, यानी कि फ्लेंज के जो बॉटम पे जो स्ट्रेन लग रहा था उसका वैल्यू 0.002 से क्या हो ज्यादा हो, ठीक है। तो वो केस लेकर के यहाँ पे हम देखते हैं क्या आता है सॉल्यूशन उसका। यहां पे केस थ्री है x का वैल्यू ग्रेटर देन df, ठीक, ग्रेटर देन df तो है ही, तो यहां पे क्या होगा स्ट्रेन क्या लेंगे, स्ट्रेन जो है 0.0035 by x into x minus df, इसका वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग ज्यादा कर देंगे 0.002 से, ठीक। तो यहां से जो वैल्यू है ये हमारा आ जाएगा 7 times, 4 times, ठीक है। तो ये 1 minus df by x जो है ग्रेटर देन 4/7 आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू ग्रेटर देन 7/3 df, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा वो अगर 1 इधर से माइनस करके इधर कर दें, दोनों तरफ माइनस कर दिए तो 3/7 आ जाएगा, और प्लस दिए तो हमारा 7/3 df आ जाएगा इस तरीके से, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू इस केस में क्या होगा 7/3 df, तो यहाँ पे जो है हमारा केस 3 किसके अंडर हो गया, x ग्रेटर देन df एंड आल्सो x किसके 7/3 df के ऊपर से भी ज्यादा, ठीक है, 7/3 df से भी ज्यादा जब न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है हमारा यहां नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक, 0.2% जो है, ये रेड वाला 0.2% को हम रेड से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको देख लीजिएगा, तो रेड वाला नीचे आ गया, यानी कि जो फ्लेंज है फ्लेंज में 0.45 fck के होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में क्या होगा, जो फ्लेंज है पूरा फ्लेंज हमारा कांस्टेंट स्ट्रेस होगा उसमें, यानी कि 0.45 fck हमारा कांस्टेंट होगा, बाकी जो वेव है उसमें हमारा पैराबोला भी होगा प्लस रेक्टेंगुलर भी होगा, जो कि एक रेक्टेंगुलर कॉमन से रेक्टेंगुलर सेक्शन जब रहता है तो उस केस में जो होता है वही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो df डेप्थ रहेगा उस केस में 0.45 fck हो जाएगा, तो c1 जब निकालना हो तो उस केस में क्या करेंगे हम, c1 के लिए जो यहाँ पे फ्लेंज का सीवन जो होता है वो फ्लेंज इतना कंप्रेसिव फोर्स हमारा ले रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे सीवन हो जाएगा वो, और C2 क्या होगा, जो वेव हमारा ले रहा है कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, वो C2 हो जाएगा। तो यहाँ से C1 0.45 fck तो होगा ही उसके, उसका जो स्ट्रेस है, और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, टोटल विड्थ जो है BF उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और डेप्थ से भी डेप्थ हमारा DF हो जाएगा, यहाँ पे YF की जगह DF, तो कुछ खास नहीं है, जो प्रीवियस केस था उसमें YF की जगह DF पुट कर देना है, ठीक है, बाकी हमारा एनालिसिस सेम रह जाएगा, ठीक है। तो YF की जगह जब DF रखेंगे हम तो हमारा C1 क्या हो जाएगा, C1 अगर देखेंगे 0.45 fck इंटू BF इंटू DF, ठीक है, और C2 आ जाएगा 0.36 fck BW इंटू X, ठीक है, और Z1 क्या आ जाएगा, Z1 आ जाएगा D माइनस DF by 2, Z2 आएगा
डी माइनस 0.42 एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम C1Z1 आ गया, C2Z2 आ गया, तो आराम से MOR हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोनों केस में, ये तो हम MOR निकाल लिए, अब दोनों केस में सेक्शन को ये भी चेक करना है कि, और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल करके जो हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा। C1 प्लस C2 को किसके इक्विवेलेंट इक्वल करेंगे, टी के, टी क्या है 0.87 FYST, कोई दिक्कत नहीं इसमें। C1 प्लस C2 को टी के इक्वल कर देंगे तो यहां से हमारा जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा, और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब निकल गया तो उसको लिमिटिंग एक्चुअल लिमिटिंग से कंपेयर कर लेंगे। एक्चुअल लिमिटिंग क्या हो जाएगा, वो स्टील पर डिपेंड करता है कौन सा स्टील है हमारा, अगर माइल्ड स्टील है तो 0.53 D हो जाएगा, अगर Fe415 है तो 0.48 D, अगर 500 का ग्रेड है तो 0.46 D हो जाएगा हमारा। क्या यहां से हम लोग लिमिटिंग निकाल लेंगे और एक्चुअल निकाल करके उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे हमारा सेक्शन क्या है, कि ओवर है कि अंडर है कि बैलेंस है। अगर अंडर और बैलेंस ये दोनों अगर आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ओवर है तो उसके से हम डब्ली रेनफोर्स्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन फ्लेंज सेक्शन की बात है तो फ्लेंज सेक्शन में रेयरली हम लोग जो है रेयरली डब्ली रेनफोर्स्ड सेक्शन यूज होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको चेक करने के लिए ये जरूरी है, तो एक्सयू लिमिटिंग निकाल करके कर लेंगे, और उसके बाद अगर एमयू लिमिटिंग, अगर मान लीजिए हमारा सेक्शन जो है अगर ओवर रेनफोर्स्ड आ रहा है तो उस केस में जो MOR होगा, दोनों की बात कर रहे हैं हम अभी, ओवरऑल जो भी केस हो सारे केस की बात कर रहे हैं, अगर MOR हमारा जब डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन आ जाए या फिर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आ जाए एक्स और एक्सयू को कंपेयर करेंगे तब, तो उस केस में क्या करेंगे, MOR को MOR लिमिटिंग के बराबर लेंगे, ठीक है। तो MOR लिमिटिंग तक ही वो रिस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेट पे जाकर के हमारा कंक्रीट जो है वो फेल कर जाएगा, अगर ओवर रेनफोर्स्ड की बात है तो कंक्रीट हमारा तो फेल कर जाएगा, तो वहीं पे हमारा पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, तो MOR को MOR लिमिटिंग पे ही हमको रुकना होगा। तो ये क्या, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बाकी एनालिसिस कर लेंगे। और एक जो है इसका शॉर्टकट अगर आपको जानना है, शॉर्टकट भी है, आराम से उसको देख सकते हैं, और उसके जो अभी तक हमने किया है उसका एक तरह से ओवरव्यू है, ठीक है। तो वो IS कोड में दिया हुआ है, तो IS कोड में क्या दिया हुआ है वो हम आपको अभी, ठीक है, बता रहे हैं। ये बात है आपके लिए जानना बेहद, ये जो हमने अभी तक नहीं बताया ये क्या है, ठीक है। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा कि सेक्शन को हमने जो जहां पे 1 डिनोट किया है वो फ्लेंज का पार्ट हमने अलग कर दिया है दोनों साइड का, और बीच के पार्ट को हमने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर कर लिया है। तो जितना भी 1 सबस्क्रिप्ट जितना जहां पे यूज हुआ है वो जो है इसके लिए है, यानी कि फ्लेंज का जो रिमेनिंग पोर्शन है जो हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन जो इसको कट किया है यहां से, ठीक है, ये वाला पार्ट में देखिए फ्लेंज का भी कुछ पार्ट है, तो ये जो हमने कट किया है उसके अलावा जो ये पार्ट बचा हुआ है वो 1 है सबस्क्रिप्ट, यानी कि जो कंप्रेसिव फोर्स हम लोग C1 निकाल रहे हैं दोनों केस में वो किसका था, दोनों साइड में जो हमारा बचा हुआ था फ्लेंज का पार्ट उसके लिए, और C2 जो था वो हमारा टोटल ये रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है हमारा उसके लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले केस में हमने क्या किया, फर्स्ट C1 निकालने के लिए ये 1 पार्ट और ये 1 पार्ट, ठीक है, ये BF माइनस BW आधा हो गया इधर और आधा इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये BF नहीं होगा, यहाँ पे BF माइनस BW होगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा, ठीक है, BF माइनस BW होगा, ठीक। तो पहले केस में भी ये करेक्शन ही समझिए एक तरह से, जो इससे पहले वाला भी केस था उसमें भी हम जो है BF की जगह C1 निकालने के केस में हम शायद BF ले लिए होंगे, तो वहां पे हमें करेक्शन करना होगा, BF नहीं होगा यहाँ पे, BF माइनस BW होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है आपका BF माइनस BW होगा, और इस केस में BW, क्योंकि इतना जितना विड्थ है ये उतना ही विड्थ ऊपर भी है, तो इसी BW विड्थ और डी डेप्थ का हमने यहाँ पे सेक्शन काट करके अलग कर दिया, ठीक है। अब जो कोड की बात है, कोड की बात जो हमने आपको बोला कि जो कोड में कुछ इसका शॉर्टकट दिया हुआ है कि आसानी से ज्यादा हमें दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा और आसानी से जो है हम सेक्शन को समझ लेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे, मेन तो यही बात है ना, पहले पता लगाना है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाइक रहा है, कि पहले फ्लेंज में लाइक रहा है कि नहीं,
फ्लेंज में अगर लाइकर रहा है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन मान करके डिजाइन कर दिए, अगर वेब में लाइकर रहा है तो तब दो केस, 7/3 df से कम है वैल्यू या 7/3 df से ज्यादा है, अगर 7/3 df से कम है तो वहां पे yf का टर्म आ जाएगा, यानी कि df की जगह yf आ जाएगा, और yf जो डेप्थ है उसके कोरस्पॉन्डिंग 0.45 और सीके का स्ट्रेस वेरिएशन लेकर के हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन जब 7/3 df से ज्यादा वैल्यू आ जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो हमारा सेक्शन है फ्लेंज का वो df लेकर के ही, यानी कि yf जो रहेगा इसमें उसको df से चेंज कर देंगे, बाकी हमारा एनालिसिस सेम रह जाएगा। ठीक है, तो जब आईएस कोड में बोला गया है कि df और d दो हमारे पास क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन में दो टर्म हमारे पास दिया हुआ रहेगा, एक df जो फ्लेंज का डेप्थ होता है और d यानी कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज हमारे पास दिया हुआ रहेगा, तो ये दोनों के हेल्प से हम, और स्टील का ग्रेड भी दिया रहेगा। ठीक है, स्टील कौन सा यूज कर रहे हैं, कंक्रीट कौन सा यूज कर रहे हैं, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये दोनों के हेल्प से जो है हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहां पे लाइक करेगा ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसको हम आइए देखते हैं। ये जो है आपके सामने आईएस कोड के द्वारा ये दिया बताया गया है कि देखिए, सबसे पहले उसका आपको वेरिफिकेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे Fe415 ग्रेड का स्टील है तो उसके लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का क्या होता है फॉर्मूला, 0.48 × इफेक्टिव डेप्थ डी, तो 0.48 × इफेक्टिव डेप्थ डी हमने लिखा। ये जो है बैलेंस सेक्शन के बारे में बताया, यानी कि अल्टीमेट मतलब लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका निकालने का जो फॉर्मूला है वो आईएस कोड ने बताया। तो इसका जस्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 0.48 × d होता है, तो या तो हमारा जब जो है वेव में जब लाइकर न्यूट्रल एक्सिस, तो उस केस में क्या होगा, एक्स का वैल्यू या तो 7/3 df से कम होगा या ज्यादा होगा। दो केस हमने ले लिया, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 7/3 df हो, और सेकेंड केस जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 7/3 df हो। तो उस केस में जो है हमारा df by d आ रहा है, एक जब लेस देन 7/3 df हो तो उस केस में df by d का वैल्यू पॉइंट जब ग्रेटर देन आ रहा है 0.206। ठीक है, लगभग 0.2 के बराबर है। अब ये भी जो है df by d का वैल्यू लेस देन 0.206। ठीक है, यानी कि 7/3 df से कब ज्यादा होगा, जब df by d का वैल्यू 0.206 से कम होगा, और 7/3 df से कम कब होगा, जब df by d का वैल्यू 0.206 से ज्यादा होगा। उसी तरह 500 के लिए df by d का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0.197 ग्रेटर देन 0.197 हो, तो उस केस में जो है हमारा x का वैल्यू लेस देन 7/3 df होगा, और जब df by d का वैल्यू लेस देन 0.197 हो, उस केस में जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो लिमिटिंग की बात हो रही है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जो हमारा 7/3 df से ज्यादा होगा Fe 500 के लिए। तो ये जो वैल्यू है आप देख रहे होंगे 0.2 के आसपास ही है। ठीक, तो आईएस कोड ने डायरेक्ट बता दिया कि जब df by d का वैल्यू, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, df by d का वैल्यू चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे कि वो फ्लेंज में लाई कर रहा है, अगर फ्लेंज में विद इन द फ्लेंज या फिर फ्लेंज के बॉटम पे भी अगर लाई कर रहा है एक्स का वैल्यू यानी कि लेस देन और इक्वल टू df है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है किसमें, एक्स का वैल्यू जब ग्रेटर देन df हो, तो उसी केस की बात हो रही है। जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन df हो, तो उस केस में चेक करेंगे df और d का वैल्यू, df और d यानी कि इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d और फ्लेंज का विड्थ df, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, इसका वैल्यू देखेंगे, अगर 0.2 से ज्यादा आ रहा है तो हम यानी कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो 7/3 df से कम है। ठीक है, तो 7/3 df से कम है तो वहां पे yf आ जाएगा, तो yf आ जाएगा तो yf में 0.45 fck होगा, बाकी 0.36 fck पूरा x में होगा, तो ऐसे करके हम लोग ये निकाल सकते हैं इंटू z1 इसका d माइनस yf बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो है उसके बाद देखिए, ये z1 हो गया, ये z2 हो गया इसका, उसके बाद जब df बाई डी लेस देन 0.2 हो, ठीक है, तो लेस देन जब 0.2 होगा यानी कि फ्लेंज में पूरा हमारा कंप्रेशन हो रहा है, तो yf की जगह df पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बताया आईएस कोड। तो ये हो गया एनालिसिस कंप्लीट। तो कल का जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम इसका डिजाइन करेंगे, फ्लेंज सेक्शन का हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं वो एक एक स्टेप डिजाइन का मेथड हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है,
तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।